रेडियो नोएडा लोकमंच 91.FM से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल आज और कल, यह सीरीज ऐसे लोगों के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिन्होंने ग्रेट नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह शहर भविष्य का शहर कहलाता था और किस तरीके से उसका विकास हुआ, उस दौरान जिन जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया, उनकी यादें आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारे साथ रेडियो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पूर्व कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार रहे पीके सिन्हा जी। पीके सिन्हा जी 1977 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं और 2015 से 2019 तक कैबिनेट सचिव रहे और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख सलाहकार रहे। अब वो इसलिए हम आप उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वो 2001 से लेकर 2004 तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एडिशनल CEO के रूप में काम कर रहे थे। उसके दौरान जो उनका अनुभव रहा वह बातें हम उनके साथ शेयर करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में सिन्हा जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा शहर जो आपने 2001 से 2004 के बीच में जब आपने देखा और आपने अपने हाथों से इसको संवारा, तो उस समय का अनुभव क्या था, ये हमारे साथ श्रोताओं के साथ सर शेयर कीजिएगा। अच्छा, जरूर। देखिए, जैसा आपने कहा 2001 से 2004 के बीच में मैं जी एक्चुअली दो बार उसके रहा हुआ एडिशनल CEO जी, लगातार 2001 से 2004 नहीं रहा, लेकिन बीच बीच में दो बार उसके रहा और दोनों बार जो CEO थे श्री ब्रिजेश कुमार जी, जिसका खुद का अपना काफी योगदान है ग्रेटर नोएडा के विकास में। जी जी जी। तो उस जो समय था उस समय एक्चुअली शहर बसना शुरू, शहर का विकास शुरू हो गया था जी, लेकिन काफी चैलेंजेस सामने आ रही थी। लोग प्लॉट खरीद लेते थे लेकिन बसावट नहीं हो रही थी शहर जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि लोग अपना 25% मिनिमम कंस्ट्रक्शन करा के छोड़ देते थे जी, जी। मकान बना के वहाँ पे शिफ्ट नहीं होते थे। तो जो मैं मेरा कार्यकाल रहा वहाँ पे, मैं योजना विभाग का काम भी देखता था, प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं जी जी जी। तो मेरा अनुभव ये रहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो ग्रेटर नोएडा के विकास में रहा है वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल तक प्लानिंग वहाँ की गई थी जी, सड़कों के विकास के बारे में, चाहे किस सड़क पे क्या पेड़ लगेंगे, मकान रेलिंग का क्या साइज होगा जी, बिल्डिंग का क्या कलर होगा, हर चीज की एक बहुत डिटेल्ड प्लानिंग, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था जिससे, और उसी से शहर की खूबसूरती आती है और शहर का एक बैलेंस डेवलपमेंट होता था, हैपहैजर्ड डेवलपमेंट नहीं होता जी। तो वो समय ऐसा भी था जब दिल्ली से दूरी एक चैलेंज के रूप में आती थी, वो पुराने एक्सप्रेस वे भी बन रहा था जी, और वो दादरी से उधर जो दादरी वाली रोड थी उसके होकर के हम लोग जाते थे, लेकिन मेरे कार्यकाल के दौरान ही एक्सप्रेस वे कम्प्लीट हो गया जी, तो करीब 23 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, तो उससे थोड़ी सी अट्रैक्शन शहर की पड़ी जी। फिर बसावट कैसे लाए, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, खास करके मेरा जो उसमें योगदान रहा जी। एक तो हमने DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से बात करके वहाँ पे DTC की कुछ सुविधाएं शुरू कराई जी, हमें उनको शुरू में एक्चुअली सब्सिडी कट देनी पड़ी जी जी, DTC को सब्सिडी देनी पड़ी क्योंकि वो इतने पैसेंजर्स थे नहीं तो नुकसान होता था, लेकिन हमने शुरू में सब्सिडी दे करके बसें चलाई, उससे थोड़ा सा फायदा हुआ। फिर मेरा एक जो व्यक्तिगत जिसमें योगदान रहा, हमने शुरू किया था ग्रेटर नोएडा कार्निवल जी, जिसमें एक मेला का जो गवर्नमेंट, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो हर साल होता है तो एक बहुत ही बेहद स्वरूप में और एक सुंदर ढंग से हमने तैयारी करके ग्रेटर नोएडा कार्निवल किया था, बहुत ही सफल वो हुआ था जी। तो ताज एक्सप्रेस वे का काम भी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निर्माण का काम भी उसी वक्त शुरू हुआ था, उसके भी मेरा थोड़ा योगदान रहा था जी। तो ये जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे लोगों को यहाँ तक कैट करके लाया जाए और लोग यही रहे, उस दिशा में ये सारे प्रयास जो मैंने बताए जी जी हमने किए,
और फिर धीरे धीरे समय समय के साथ साथ वहाँ की बसावट बढ़ी जी, और अब तो काफी वहाँ पे लोग रहते हैं। बिल्कुल 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 सर, जब शुरू में आप आए एक ये जरूर था कि वहाँ पे सरकारें बदलती थी तो अधिकारी भी बदल दिए जाते, उससे कंटिन्यूटी की थोड़ी समस्या रहती थी। जी 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 जी, तो उससे फिर नए अधिकारी आते थे तो नए ढंग को समझना, फिर अपने ढंग से उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, तो उससे थोड़ी दिक्कत आती थी। जी 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 सर, एक चीज इस समय महत्वपूर्ण है कि ग्रेट नोएडा के पास ही यमुना में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, और एयरपोर्ट का फाइल जो है वो शायद आपके दौर में भी चली है, और उस दौरान किस तरह का अनुभव रहा है ये भी सर हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, ये एक्चुअली कुछ बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, जेवर एयरपोर्ट की बात उस समय से चल रही है जी, 2000 उस समय से चल रही है, और हमने लैंड वगैरह सब नक्शे पे आइडेंटिफाई वगैरह कर रखी थी। जी जी, और बहुत प्रयास होता रहता था लेकिन तमाम गाड़ी आगे बढ़ती नहीं थी, क्योंकि इसे एक जेवर एयरपोर्ट को एक अट्रैक्टिव ढंग के रूप में पेश किया जाता था कि लोग यहाँ आते रहे, यहाँ भी एयरपोर्ट आने वाला है कि आप यहाँ खरीदिए प्लॉट खरीदिए, तो लेकिन समय लग गया। आपका खुशी की बात यह है कि अब जल्दी ही उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर होने वाला। जी जी जी, समय लगा बिल्कुल, दुरुस्त बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज मैं आपसे महत्वपूर्ण ये पूछ रहा हूँ कि एनसीआर का एक कंसेप्ट है दिल्ली के आसपास, और एनसीआर के शहरों का ही प्लानिंग को लेके जो महत्वपूर्ण काम पिछले 4-5-7 सालों में हुए हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो NH-24 से जो मेरठ हाईवे बना है वो है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं सर आप? एक नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड होता है जी, NCRPP, जी जी, भारत सरकार की अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधीन होता है, सीनियर एडवाइजर उसके अध्यक्ष होते हैं जी, और वो ये सारा काम देखता है, मास्टर प्लान बनाना, और ये भी बहुत कोई नई चीज नहीं है, NCRPP बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी जी, जब मैं था तो उस समय भी ये काम करता था, इनफैक्ट 92-94 में मेरठ विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होता था जी, समय भी नेशनल कैपिटल रीजन का मेरठ भी NCR का पार्ट है, समय भी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड काम करता था जी, मीटिंग में आते थे, तो एक समुचित विकास, संतुलित विकास और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं पूरे रीजन का कैसे हो, ये काम वो देखता था, और उसी प्लानिंग के अंतर्गत ही ये नोएडा का विकास भी देखा, ग्रेट नोएडा का विकास भी देखा, और अब यमुना विकसित होने जा रहा है, तो आपकी नजर में कौन से ऐसे, क्योंकि जब नोएडा में जो कमियां थी उनको ग्रेट नोएडा में दूर किया गया और अब यमुना बनने जा रहा है, तो क्या सुझाव ऐसा देना चाहेंगे जो यमुना में उनको लागू किया जाए, और एक सुंदर शहर जो क्योंकि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा और आने वाले दिनों में पूरे देश की नजर यहाँ पर होगी, तो क्या किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे सर इस समय? देखिए, इस तरह का कंपैरिजन तो बहुत मुश्किल होता है, नोएडा दिल्ली के ज्यादा पास था, हाँ, बिल्कुल दिल्ली ही हो गया था मुझे आपको बिल्कुल, तो और जो शहरों NCR रीजन में दिल्ली के अलावा जो और शहर है उसका विकास जी दिल्ली की कितनी दूरी है उसके आधार पर होता है, और एक कंटिन्यूअम में होता है, जैसे जो पहले पास का इलाका है वहाँ पहले विकास होगा, उसके बाद वाला इस तरह विकास होता है, तो इसलिए कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो बाद में शहर आता है वो अगर कुछ गलतियाँ हुई है तो उससे सीखने का मौका मिलता है। जी जी जी, और तो यमुना एक्सप्रेस जो अगर बन रहा है उसको ये लाभ मिलेगा कि वो नोएडा का जो अनुभव है, ग्रेटर नोएडा का जो अनुभव है वो प्राप्त करे। बिल्कुल सही। अब सर एक सवाल आपकी जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ, जब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए तो कैसे सफर जीवन में बचपन से शुरू हुआ, क्या बचपन में ऐसी इच्छा थी कि हम IAS बनेंगे या कुछ इस तरह का था माहौल मिला इस तरह का, कैसे सर? बचपन से इच्छा होती नहीं है जी, मैं तो दिल्ली में ही पढ़ता, स्कूल का वगैरह मैंने सब दिल्ली में किया जी,
बाद फिर नहीं करने के बाद सिविल सर्विस में बैठे तो सौभाग्यवश में पहले ही अटेम्प्ट में आ गया जी। और उसके बाद यूपी कार्डर मिला और ये पहले शुरू के करीब 9 साल जी यूपी में फील्ड में जगह जगह डीएम डीएम वगैरह रहे और उसके बाद ज्यादा समय वैसे मेरा भारत सरकार में मिला। अच्छा। और यूपी में वैसे डीएम रहा जोधपुर में आगरा में जी जी और कमिश्नर रहा 12 में इरिगेशन रहा लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा ज्यादा समय भारत सरकार में था जी 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 और अनुभव मेरे को भारत सरकार का ज्यादा मिला। सर तो जानना ये चाहेंगे कि इस पूरे प्रशासनिक कार्यकाल में आपका कोई ऐसा कोई उदाहरण आप बताएं जो आज भी आप भूलते नहीं हैं, जो आपने कोई ऐसी योजना बनाई जो आज भी लागू है, या कोई ऐसी चीज वाकई आपको देखा हो कि आपने वो चीज आज भी याद आती है बार बार। योजनाएं तो बनाई तो एक पॉइंट करना मुश्किल है जी 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 लेकिन हाँ एक तो ऐसे वाक्य है जो मुझे कहीं भूलेंगे नहीं जी जी एक तो एक वाक्य जब मैं डीएम जौनपुर था सबका था हाँ जी जब ये 1984 में गोल्डन टेंपल के उसके बाद जी राम राम रामगढ़ बिहार से जी सिख जो मित्रों से वो भागे थे और इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था तो उस समय हमारे जौनपुर में काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें रेगुलर आर्मी और आर्मी डिजर्टर्स के बीच जी गोलीबारी हुई थी। एक तो वो मुझे कभी इंसिडेंट होता और दूसरा अलीगढ़ का जब सिटी में अलीगढ़ में जी तो बहुत दंगा हुआ था बहुत जोर मुरादाबाद में दंगा हुआ उसके अलीगढ़ में हुआ जी और उसमें कई कई 2-3 महीने कर्फ्यू का सिलसिला रहा आर्मी स्टेशन जो है वो सब रहा और मैं सिटी मैजिस्ट्रेट चूंकि था तो मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। ये दो जो मेरे जो इंसिडेंट्स हैं जी 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 शुरुआती सर्विस के हैं वो मैं भूलता नहीं हमेशा अभी भी अभी लेकिन छोटी छोटी चीजें भी याद। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर। अब सर एक आखिरी सवाल ग्रेट नोएडा से ही जुड़ा हुआ। ग्रेट नोएडा जब 1991 में बना और 2001 में पाए 10 साल हुए थे उस समय, अब ग्रेट नोएडा 30 साल का हो गया है, तो उस प्लानिंग में जो आपने उस दौरान बनाई थी क्या उस पर आपने कभी मतलब इस तरह का कभी आना जाना रहता हो तो उस पर नज़र रखती हैं तो वो बरकरार रखा हुआ है, वो मेंटेन किया हुआ है या उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ या उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है? जी नहीं मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स देखिए आप मेरा बहुत आना जाना होता नहीं है। हाँ 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 जी जी कि मैं दो बार रहा लेकिन मेरी अपनी वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं जी 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 मेरा आना जाना वहाँ होता नहीं जी 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 तो इसलिए लेकिन मैं जो भी गया हूँ कभी कभी या मैंने जो सुना है उसके हिसाब से लोग कहने तो बहुत लगे हैं। डिस्टेंस इज स्टिल बिट ऑफ अ चैलेंज हालांकि एक्सप्रेस वे से काफी सुविधा हो गई जी 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 लेकिन ये दिल्ली से थोड़ी दूरी तो है तो एक चैलेंज रहता है। एयरपोर्ट बनेगा तो उससे बहुत अट्रैक्शन हो जाएगा जी एयरपोर्ट बना अब तो काम शुरू ही हो रहा है लेकिन ये जो है क्या कहते हैं ये जरूर है कि जो नियोजन की जी डिटेलिंग थी जी उसपे शायद कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइजेस ओवर द इयर्स हुए हो उससे थोड़ा सा शहर की जो सौंदर्यीकरण है उसमें असर पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो रिसेंटली हमें जानकारी मिली है कि बोडा की रेलवे स्टेशन को ग्रेट नोएडा स्टेशन का नाम दिया जा रहा है तो उसके लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है, तो ग्रेट नोएडा को रेलवे स्टेशन का नाम दिए जाने का ये प्लानिंग सर उसी समय की है जब आप लोग थे सर? हाँ ये भी है, वो एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह बनाने की प्लानिंग है जी बोडा की रेलवे स्टेशन तो आगे साथ जानते हैं ग्रेट नोएडा से लगा हुआ है लगा ही हुआ है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा और वहाँ पे रोड रेल सब तरह की सुविधाएं जुड़ जाएगी पूरे पूरे मतलब कलकत्ता तक इधर ले लीजिए और इधर बॉम्बे तक जी एक दो जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं रेलवे के जी जी बॉम्बे तक की तरफ और एक ये कलकत्ता की तरफ जी जी ये दोनों से जुड़ेगा ये दोनों से जुड़ेगा जी जी। अब सर ग्रेट नोएडा वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ग्रेट नोएडा में रहते हैं और आने वाले दिनों में उन्होंने घर लिए हैं अभी आने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस इतने कहना चाहेंगे अच्छी जगह उन्होंने चुनी है जी और उसके विकास में सहयोग भी करें। जी सर आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की शहर के बारे में।
धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 2001 से लेकर 2004 के बीच एडिशनल सीईओ के रूप में काम कर चुके पूर्व कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार रहे पी के सिन्हा जी को, जिन्होंने ग्रेट नोएडा के बारे में विस्तार से उस योजना की जानकारी दी जब वो यहाँ पर काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को मैं आपके साथ जोड़ता रहूँगा जिनके रग रग में बसी हैं ग्रेट नोएडा की यादें, और ग्रेट नोएडा शहर के विकास में वो आज भी उतने ही तत्पर रहते हैं जितने वो उस समय यहाँ पर काम कर रहे थे। यह विशेष सीरीज अब आप सुनना ना भूलें। हर सप्ताह सोमवार सुबह 10 बजे सीरीज होगी ग्रेटर नोएडा कल आज और कल। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।